आज की हमारी रेसिपी है मानसून स्पेशल। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए चाय के साथ तो बात ही कुछ अलग होती है। और ये पकौड़े आप एक बार ज़रूर बना के देखिए, अलग तरीके के हैं। हमेशा के कांदा भजिया या बटाटा वड़ा से अलग, दोनों का स्वाद एक साथ आपको मिलने वाला है। बटाटा वड़ा और कांदा भजिया, तो ये ज़रूर रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली ये रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत है 4 उबले हुए आलू। आलू को अच्छी तरह से उबाल के मैंने उसका छिलका ऊपर से निकाल दिया है। अभी इसे हमें स्मैश करना है, तो आप इसे हाथों से या पाव भाजी स्मैशर से भी स्मैश कर सकते हैं। तो इसे मैं हाथों से अच्छे से स्मैश कर लेती हूँ, बिल्कुल भी गाँठे वगैरह उसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी तरह से मैं इसे स्मैश कर लेती हूँ और आलू अच्छी तरह से उबला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से स्मैश होना चाहिए। तो देखिए आलू हमारा अच्छे से स्मैश हो चुका है, तो इसे रखते हैं साइड में। अभी इसके लिए हमें तड़का लगाना है, तो मैंने लिया है एक तड़का पैन जिसमें 2 चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे राई, राई को भी अच्छे से तड़कने के बाद 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, और साथ ही में डालेंगे 2 हरी मिर्च, मैंने एकदम बारीक कट करके डाली है, और गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखी है। और साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। अदरक लहसुन पेस्ट का ना पूरा कच्चापन जाना चाहिए, बिल्कुल भी उसका कच्चापन रहना नहीं चाहिए, जिससे हमारे पकौड़े का स्वाद बिगड़ सकता है। तो अच्छी तरह से भूनने के बाद गैस बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाली है, क्योंकि हल्दी का भी जो कच्चापन है उसे हमें ख़त्म करना है। तो इसके लिए गैस बंद करने के बाद डाले, और ये गरम गरम तड़का हमें ये आलू में डालना है। गरम गरम तड़का आलू पे डाल दिया है, अभी साथ ही में डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और ये सब चीज़ों को हमें एक साथ मिक्स करना है। तो उसके पहले डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। अभी तीखा आपको किस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप मिर्ची का कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये बैटर हमारा तैयार हो गया है मिश्रण, तो इसे रखते हैं साइड में। दूसरे बाउल में मैंने लिए है 2 प्याज, ऐसे लंबे लंबे कट करके इसमें डालेंगे चावल का आटा। चावल के आटे से हमारा जो पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने चावल का आटा डाला है। साथ ही में डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। अभी आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप फिर 4 चम्मच चावल का आटा ही डालिए, और साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1/4 TSP जितना, और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाली है। अभी डाल थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, और साथ ही में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इन सब चीज़ों को वापस से कर लेते हैं मिक्स। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि नमक डाला है उससे जो पानी छूटेगा उतना ही बस हो जाएगा, तो इसके लिए पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। और इसे हमें एकदम पतला वगैरह नहीं करना है, बस इसे सूखा ही रखना है, सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, बस इतना ही हमें मिक्स करना है। तो ये मिश्रण हमारा हो गया साइड में, इसे रखते हैं साइड में, और लेते हैं जो आलू का मसाला बना के रखा था उसे। अभी इसके ना हमें छोटे छोटे से बॉल बनाने हैं, छोटा सा नींबू जितना रहता है ना उतने ही छोटे छोटे बॉल बनाने हैं, उससे ज़्यादा बड़े बॉल मत बनाइए। छोटे छोटे बॉल मैंने बना लिए हैं, नींबू के साइज़ के ही बॉल बनाने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है, तो ज़रूर बना के देखिए। तो ये साइज़ के मैं ना सब बॉल बना लेती हूँ छोटे के नींबू के साइज़ के, तो ये बॉल मैंने थोड़े बना लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, एक कटोरी में मैंने बेसन लिया है 1/4 कप जितना छोटा सा, और साथ ही में डालेंगे इसमें ना नमक, और डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अगर पकौड़े है तो बेसन के बिना तो पकौड़े अधूरी है, तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है, और उसका ना हमें एकदम पतला घोल बनाना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं बिना लम्स के, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका एकदम पतला पेस्ट बना लीजिए, तो मैं एकदम पतला इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये हमारा बेसन का पतला पेस्ट तैयार है, देखिए इतना पतला हमें पेस्ट चाहिए। तो अभी ये क्या करें है, जो आलू के बॉल बनाए थे तो उसको ये बेसन में ऐसे अच्छी तरह से डिप करना है, और फोक वगैरह लीजिए जिसकी सहायता से ये ना काम करने में आसानी हो। फोक से क्या होता है, एक्स्ट्रा जो भी बैटर है ना वो पेस्ट निकल जाएगा, और इसे तुरंत ट्रांसफ़र करना है प्याज के जो
प्याज की इसमें मिश्रण में। तो ये देखिए ये हमारा इसे एक्स्ट्रा जो भी बैटर था मैंने निकाल दिया है और इसे ट्रांसफ़र किया है प्याज पे, और इसे प्याज से कोट करना है हमें। इसके लिए इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे हैंडल करना है क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट ऐसे ये डो है, बिल्कुल भी इसमें हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम हल्के हाथ से हमें इसे कवर करना है। गोल गोल ऐसे हल्के हाथ से घुमाते हुए प्याज से इसे कवर करना है ताकि ना हम जब इसे फ्राई करें तो बाहर एकदम क्रिस्पी प्याज के पकौड़े का फ्लेवर आए और अंदर आलू वड़ा का। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बॉल बना लिए है, कितना आसान है, लेकिन कुछ अलग तरीका का आप ये पकोड़े बनाने वाले हैं तो जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इस तरह से हल्के हाथों से बस इकट्ठा करते जाना है क्योंकि ये इसमें बेसन का घोल है तो ये जल्दी से इकट्ठा भी हो जाता है। तेल गरम करने रखा है मैंने कढ़ाई में, तेल अच्छे से गरम होना चाहिए और ये गरम गरम पकोड़े हमें तेल में छोड़ने हैं और इसे फ्राई करने हैं, और ये तेल में बिल्कुल भी छूटेंगे वगैरह नहीं, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बहुत ही आसान इससे फ्राई भी हो जाएंगे। बस इसे जब तक थोड़ा सा सेट नहीं हो जाते ऑयल में तब तक बिल्कुल भी नहीं छुए। तो एक बार ये अच्छे से ऑयल में सेट होने के बाद ही इसे पलट लीजिए। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे, दिखने में जितने अच्छे हैं ना उतने ही टेस्टी हमारे ये पकौड़े बनने वाले हैं, कुछ अलग तरीके से टू इन वन पकौड़े हैं। तो ये बारिश में ज़रूर बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले हैं, चटनी के साथ या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। घर में कोई मेहमान आने वाले हो या बारिश का मज़ा लेना है या किटी पार्टी हो, किसी भी वक्त आप ये बना सकते हैं कुछ अलग तरीके से। मेहमान भी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं और स्वादिष्ट ये पकौड़े बनने वाले हैं। तो सब ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो इतने अच्छे से एकदम क्रिस्पी ऐसे इसे फ्राई कर लिया है, गैस का फ्लेम एकदम मीडियम पे रखा था और मस्त ऐसे गर्मा गर्म ये हमारे पकोड़े टू इन वन पकोड़े तैयार है, प्याज के पकोड़े साथ ही में बटाटा वड़ा का फ्लेवर। तो ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए मस्त ऐसे गर्मा गर्म चाय के साथ, या गर्मा गर्म पकोड़े चाय गर्मा गर्म और मस्त ऐसे बारिश, तो आनंद ही आ जाएगा।